चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें, लक्सर में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और जहां पर आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और कोरोना संक्रमितों की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। और वहीं स्कूलों को सील कर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का भी यहां पर कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। तो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और यहां पर कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। एक विद्यालय में 15 लोग यहां पर संक्रमित पाए गए हैं जिनको। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण कुमार जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और यहां पर भी कई केस संक्रमण के मिले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? जी सत्यम, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। ये लक्सर के जो खानपुर ब्लॉक क्षेत्र में जो है, गोवर्धनपुर में ये बालिका आवास जो है, छात्रावास जो है पड़ता है, इसमें जो है 31 लोगों के सैंपल लिए गए थे। उसमें से जो है 13 जो छात्राएं हैं उनकी जो रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, और इसमें जो एक भोजन माता जो है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और एक अन्य जो है खानपुर क्षेत्र में जो एक सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी जो है रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। जी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं, प्रशासन जो है यहाँ पर पूरा अलर्ट है, और स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है वो मौके पर है, टेस्टिंग लगातार की जा रही है, जो उनके संपर्क में जो लोग आए थे उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। और इसमें जिला अधिकारी महोदय के सख्त आदेश है कि जो है इसमें जल्द से जल्द सैंपलिंग कर, और जल्द से जल्द जो है स्पेशल जो है इनकी जो जांच जांच के लिए जो सैंपल है वो भिजवाया जाए, ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट आ सके और जो है उसमें पता चल सके कि इनमें से तो कोई लोग संक्रमित नहीं है। जी अरुण, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है जो लोग बेवजह से घरों से बाहर घूम रहे हैं और बिना मास्क का प्रयोग किए ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जी सत्यम, बिल्कुल यहाँ पर जो है लक्सर पुलिस के द्वारा जो है लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, और लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, और ऐसे ही जो बिना मास्क के और जो है आलतू फालतू में जो घूमते लोग नजर आ रहे हैं उन पर जो है पुलिस ने जो है शिकंजा जो है कसा जा रहा है, और लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं, चेकिंग अभियान लगातार जारी है लक्सर पुलिस के चलिए द्वारा। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।